ओडिशा खोर्धा बरुणाई रे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पाइक विद्रोह को 2 वर्ष पूरी अवसर रे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद खोर्धा बरुणाई पाइक स्मृति स्थल शिलान्यास करने सह पाइक वीरत्व कहानी को मन पक उपस्थित व्यक्ति को उद्बोधन देखती दुई दिन ओडिशा गस्तरे आसीथिबा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज सकाळे खोर्धा बरुणाई पाइक स्मृति स्थल को गस्त करिसंती। पाइक विद्रोह 200 वर्ष पूर्ति अवसर में पाइक विद्रोह स्मृति स्थल को शिलान्यास कर उपस्थित समस्त व्यक्ति मानू शुभेच्छा जणाई से कहिछति जे खोर्धार यही पवित्र माटी रे पाइकक स्मृतिचारण करा जायछि। एठाकर पाइक माने अन्याय विरोध रे जे अस्त्र उठाइथिले सेमानको मन पकाइबा आवश्यक। यहापर युवपीढ़ी को पूर्वजों वीर घटना संपर्क में अवगत कराइबा और महत्व जनाइबा राष्ट्र निर्माण एक मुख्य अंश। एठारे जो स्मृति स्थल निर्माण होइछि ताहा भविष्य में पाइक वीर कहानी को स्मरणीय कर रखिब जहाँ आगामी पीढ़ी प्रेरणार स्रोत भाव रहिब। आगामी दिन में प्राय 10 एकर पाइक स्मृति स्थल संपत्ति को तीर्थस्थल महिमा प्राप्त हेब। यह पाइक स्मृति स्थल निर्माण में केन्द्र और राज्य सरकार को अवदान रही यह शिलान्यास सुजोग धन्यवाद जनई राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद राज्यपाल प्रोफेसर गणेश शिला मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और केन्द्र मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान स्मारकी निर्माण करिबारे विशेष प्रयास करिथिबारु धन्यवाद जनई राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। यासो से ओडिशार कला और संस्कृति को प्रशंसा करिछंती वीर पुरुष स्मरण करिछंती राष्ट्रपति से उत्कलमणि गोपबंधु दास और बिजु पटनायक ना नहींछंती। ओडिशा रे अनेक ऐतिहासिक किंवदंती रही राज्य चंडाशोक को धर्म शोक परिणत करिपारथिले कलार देश होइथिबारु यार अन्य नाम उत्कल बोली राष्ट्रपति कहिछंती।